हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज आपके लिए लाए हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड 8 का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक के बारे में आपको मैंने हमारे पिछले वीडियो में दिखाया था। आज हम हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेकंड टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ पे कि कुछ भी कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले आपको कुछ एक्टिविटीज़, हर एक फार्मर को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती, और वो एक्टिविटीज़ करने के बाद ही हमारा क्रॉप बन के तैयार होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, और ये एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी को आपको डिटेल में समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेक बाय फार्मर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोस आर कैरीड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो एन ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। दिस एक्टिविटी और टास्क आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं हम, उससे पहले कुछ फार्मर्स एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो हम कोई पौधा लाते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पौधे को उगाने से पहले नर्सरी से हम पौधा लाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी सॉइल को प्रिपरेशन करेंगे। सॉइल को प्रिपरेशन करने के बाद उसको वाटरिंग करेंगे, फिर हम प्लांट को पौधे को उगाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको नरिशिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो हमें फ्लावर्स देगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड लास्ट वन इज स्टोरेज। तो आइए डिटेल में फर्स्ट वन पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल की जाँच करनी पड़ती है। अब सॉइल की जांच क्यों करनी पड़ती, तो वी नो दैट कि क्रॉप्स को जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा वो कहाँ से आएगा, सॉइल से। अगर सॉइल के पास ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो क्रॉप्स को मिलेगा नहीं, तो अच्छे से क्रॉप डेवलप ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले प्रिपरेशन सॉइल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सॉइल लूज़ हो। लूज़ क्यों होनी चाहिए, तो अगर लूज़ होगी तो उस क्रॉप के जो रूट्स है वो बीनीथ द अर्थ, मतलब के लैंड के अंदर, अर्थ के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे, जिससे कि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अगर हार्ड है लैंड तो वो रूट्स उतने डीप नहीं जा पाएंगे और उतना न्यूट्रिशन उनको मिलेगा नहीं, इसलिए हमें सॉइल को लूजन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर लूजन करते हो तो आप उस सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स ग्रो होने के चांसेस है, जो क्या करेगा, सॉइल को लूज भी करेगा, साथ में उसके अंदर ह्यूमस भी क्रिएट करेगा, मतलब कि उसकी वजह से रूट्स को प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन मिल पाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। नाउ द थर्ड पैराग्राफ। You have learnt in the previous class that the soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, that plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrition held in the dead organisms are released back in the soil. This nutrition are again absorbed by plants. Since all the few centimeters of top layer soil support plants, turning and soil or losing of soil brings the nutrition rich soil to the top so that the plants use this nutrition. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें पता ही है कि सॉइल के अंदर मिनरल्स, वाटर, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एयर, ये सब होते हैं,
ठीक है। तो हम देखते हैं कि इतने तो होते ही है, लेकिन और कुछ जैसे कि हम डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हम क्या करते हैं, बरीड अंडर द अर्थ या लैंड, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशन डेड प्लांट्स या डेड एनिमल के पास है वो वापस कहाँ पे मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे। अब वो सॉइल में जो न्यूट्रिशन मिले वो वापस क्रॉप को मिलेंगे, तो एक प्रकार का साइकिल हो गया, रिसाइकिल हो गया न्यूट्रिशन का, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सॉइल की कुछ लेयर्स होती है लैंड में, हमें पता ही है, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं कि लेयर्स होती है। तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल के कुछ टॉप लेयर पे ही होते हैं, बीनीथ द अर्थ एकदम बॉटम ऑफ द लेयर नहीं होते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन न्यूट्रिशन को लेने के लिए उसको डग करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम कहते हैं ना उसको टीलिंग करना पड़ेगा या प्लफिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लफिंग, दिस इज डन बाय द यूज ऑफ प्लफ। अब यहाँ पे क्या कहा है कि उस न्यूट्रिशन को जो लेयर के नीचे छिपी है तो उसको उथल पाथल कहते हैं ना दूसरा, तो वो उस निकालने के लिए तो उसे हम क्या करेंगे, प्लफिंग करना पड़ेगा। और प्लफिंग हम किसकी मदद से, प्लफ से, ठीक है। प्लफ आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, पुराने ज़माने में वुड के होते थे, आपको पता है कि दो ऑक्स होते हैं उसके ऊपर लकड़ी का एक प्लफ होता है जिसे हल जोतना कहते हैं हिंदी में, ठीक है, इसी तरह से। अब नाउअडेज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर से ये काम करते हैं जो पहले ऑक्स से करते थे। इफ़ द सॉइल इज़ ड्राई वी नीड वाटरिंग बिफोर द प्लफिंग, द प्लफ फील्ड मे हैव बिग पीसीज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम विद अ प्लैंक, द फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन पर्पज, दिस इज लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवरर। अब यहाँ पे क्या कहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि अगर सॉइल सपोज हार्ड है तो उसको वाटरिंग करो जिससे कि थोड़ी नमी हो जाए, और फिर आप उसको प्लफ करो, ठीक है। प्लफ करने के बाद, ऊपर नीचे करने के बाद, मिट्टी को ऊपर नीचे करने के बाद उसको लेवलिंग करो। और लेवलिंग क्यों करना चाहिए, ऑब्वियसली कि अगर लेवल लैंड अगर लेवल है तो वाटरिंग सपोज कर रहे हैं तो सबको सभी क्रॉप्स को प्रॉपर वाटर मिलेगा, ठीक है, और इरीगेशन प्रोसेस के लिए ज़्यादातर, और फिर सोइंग भी प्रॉपर से हो पाएगा, ठीक है। और ये लेवरर बाय विद द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेवरर से हम कर सकते हैं। समटाइम मैन्यूअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग, दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद सॉइल, दिस सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि कभी कभार क्या होता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है तो हम उसको फर्टिलाइज़र के ज़रिए एडअप करके उसका न्यूट्रिशन फुलफिल करवा सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और लास्ट में दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।